When there's no more hope is left in me. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो मैं सो के उठी हूँ फिलहाल, रात को मुझे लेट हो गया था, थोड़ा सोने में आज एडिटिंग कर रही थी मैं, कुछ नया एडिटिंग सीख रही थी तो उसमें मुझे लेट हो गया था सोने में। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11:35 समथिंग हो रहा है, तो मिलते हूँ मैं आगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, सो के उठने के बाद ना थोड़ा लाड़ दिखाता है ये, तो इसे लाड़ करना पड़ता है मेरे शैंकी को। तो ये देखो कैसे आराम से सोया हुआ है, मस्त लाड़ बता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्रश करके तो आ गई हूँ। ब्रश करने के बाद तो मैं थोड़ा चाय और ब्रेड खा रही थी, सो आइए आप मेरे साथ भी चाय और ब्रेड खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से ब्रेड को कड़क करके खाती हूँ। इसमें जो मैंने बटर लगाया था वो होममेड है, हम लोग बाहर से नहीं लेकर आते, मेरी दीदी घर पे बनाती है। तो मैं उसे बोलूँगी कि नेक्स्ट अगर वो बनाए तो मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँ। सो और वैसे भी ब्रश करने के बाद ना मुझे भूख लग जाती है बहुत जल्दी, और वैसे भी लेट हो गया था तो मैंने ब्रेड और चाय ही खा लिया था। तो फिर देखिए, अभी चाय ब्रेड खाने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। मॉर्निंग मेरा काम है झाड़ू पोछा करने का, तो मैं वो करती हूँ। तो मैं वो सोफ़े में ना एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया था, तो चीटी दिख रही थी मुझे, तो मैं फिर पूरा डस्टिंग, मुझे चीटी, रेड चीटी से, तो माय गॉड, तो मैं पूरा डस्टिंग करने लग गई थी, पूरा वो झटक झुटक कर रही थी। और डस्टिंग करने के बाद मैंने पूरी साफ़ सफाई किया, अच्छे तरीके से सब कुछ साफ़ कर रही थी मैं, मतलब डस्टिंग कर रही थी सब कुछ। और डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू पोछा लगा के क्लीन कर लिया था घर को। तो देखिए, इसमें जो कॉलिन यूज़ हो रहा है, कॉलिन भी नहीं, उसमें जो वो क्लीनिंग के लिए मैंने जो यूज़ करी थी वो भी दीदी ने ही बनाया था, वो भी होममेड है। ये देखिए जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ साफ़ करने के लिए, तो इसका भी मैं दीदी को बोलूँगी कि वो अगर नेक्स्ट टाइम बनाए तो मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँगी वो किस तरीके से बनाती है। और बहुत अच्छा, मतलब साफ़ होता है, एकदम पॉश हो जाता है उससे, सो बहुत अच्छा है वो। और काम करते करते दीदी ने देखो अब लस्सी बना के लेकर आ गई थी, तो हम लोग वही पी रहे थे। अब यार यहाँ पे ये हो गया था कि मैंने वीडियो तो शूट किया था फ्रेश होने के बाद, एक्चुअली पूरा काम हो गया था मेरा, काम होने के बाद मैं फ्रेश होके वापस आपसे मिलने ही, तो मैंने वीडियो तो शूट कर लिया था। जब मैं अभी एडिटिंग के लिए बैठी तो देखा इसमें आवाज़ नहीं आ रही, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था, बहुत बहुत मूड ऑफ हो गया मेरा सच में, पता नहीं क्या हो गया था। मैंने इसको एक्चुअली, मेरे पास ना वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक के थ्रू मैं मतलब कनेक्ट करके बात कर रही थी, तो मैंने ना वो ऑडियो का कॉर्ड में जैसे कनेक्ट करते तो मैंने कनेक्ट कर दिया था, पता नहीं अभी क्यों उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं आप सबसे यही कह रही थी कि मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, मतलब नहा के आ गई थी, थोड़ा बहुत काम था मेरा वो कर लिया। और आज जैसे सैटरडे था तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं हर सैटरडे एंड ट्यूजडे हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो जस्ट वो पढ़ के मैं अभी बाहर आई थी आपसे बात करने के लिए। तो मैं आपको आज का ही शेड्यूल बता रही थी कि मैं फ्रेश होने के बाद मुझे थोड़ा सा रील्स बनाना था, और मौज की वीडियोस है थोड़ा बहुत तो वो बनाती हूँ अभी मैं, थोड़ा टाइम मिला है मुझे तो। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो @mahiarat है, तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाती हूँ। और उसमें ऐसा नहीं रहता है, मैं ना एक्चुअली मेरा इतना सेपा हो जाता है, मैं कभी भी सोचती हूँ कि मैं मतलब अच्छे तैयार होके ग्रूम होके मैं वीडियो शूट करूँ चाहे मौज की या फिर इंस्टाग्राम की, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। और मौज में तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है मेरे को कि जब मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ तो उसमें यही आ जाता है समथिंग विथ रॉन्ग,
तो मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मेरा मोस्टली वीडियो यही रहेगा कि मैं विदाउट ग्रूम ही शूट कर लेती हूँ, जैसे भी हो जाता है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर उसमें कि मैं विदाउट ग्रूमिंग विदाउट मेकअप किस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ। सो आपको दिख जाएगा उसमें, बस थोड़े बहुत फिल्टर यूज़ कर लेती हूँ ऐसे ही, तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा। तो मैं वही बता रही थी, और ये बता रही थी कि मैं जो अभी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जो वीडियो शूट करती हूँ तो मम्मी के मोबाइल से करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों काम नहीं दे रहा है। शायद उसकी मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी भी नहीं है उसमें, तो वो पता नहीं फुल हो चुका है शायद से, तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है वो फ़ोन मेरे को। एक्चुअली 3 साल हो गए हैं फ़ोन को, वैसे मेरा बहुत फेवरेट है वो फ़ोन, बट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। और फिर मैं सोच रही थी कि मतलब पेन ड्राइव लेके उसमें पूरा मेमोरी का खाली कर दूँ, तो ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ही मतलब वो बता दे रहा है कि ये इस एरिया में या इस जगह पे नहीं हो पाएगा डिलीवर्ड। और शॉप में भी नहीं जाके देख सकते, क्योंकि शॉप 11 बजे तक ही शुरू रहती है, और हमारे तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते, मतलब हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं बेवजह घर से बाहर। तो भाई, तो यही सब मैं आपको बता रही थी, बट सच में मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। मैंने इतने अच्छे से आपसे बात कर रही थी, तो एक तो फर्स्ट टाइम ही ऐसे मैं बात कर रही थी, मतलब सोचा कि मैं स्टार्टिंग टू एंड पूरा ब्लॉग करूँगी, बट इस तरीके से हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे हम। तो अब यही से सब बोल रही थी मैं आप लोग से, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आगे मिलते हैं, अब देखो, चलो बाय। सेम प्रॉब्लम मेरी इसमें भी हो गई यार, देखो अब इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरा ना सच्ची बहुत गुस्सा आ रही है। एक्चुअली ना रेडियो में गाना शुरू था और मैं बहुत उतरा रही थी, मतलब गाने में वो गाना शुरू था, मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझे से होता है। यही गाना मैं गा रही थी, मेरी दीदी पीछे काम कर रही थी तो मैं उनके सामने मस्ती कर रही थी। तो यही वीडियो था, इन सब चीज़ बहुत गुस्सा आ रही है लेकिन। सो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से अपना वीडियो शूट करती हूँ, मतलब रील्स वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो इस तरीके से शूट करती हूँ। और वीडियो में मैं जो बना रही थी वो मदर्स डे स्पेशली था, मैंने एक सॉन्ग गाया था जो मैंने स्टोरी में अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। प्लस 2-3 लाइन्स है जो मैं कल अपलोड करूँगी, तो वो देखिएगा ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, रील्स बना रही थी, तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि मैं ना जब सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी तो मेरे साथ सैपा हो जाता है। अभी मैं बना रही थी मौज में, ट्राई कर रही थी वीडियो का, तो उसमें मेरा ऐसा हो जाता है कि समथिंग विथ रॉन्ग, पता नहीं हम क्या मौज वाला मेरे से बदला ले रहा है कि क्या हो रहा है। जब भी मैं उसमें वीडियो बनाने जाती हूँ तो उसमें आ जाता है समथिंग विथ रॉन्ग, तो मेरा ना पूरा मूड ऑफ हो जाता है। पर कोई नहीं, मैंने आज पूरी वीडियो में रील्स नहीं बनाई, तो अभी सारी रील्स में मैंने अपलोड करी है वीडियो, मतलब रील्स में बना रही थी मैं वीडियो। तो ऐसा मेरा दिन था, और आज ऐसा इंटरेस्टिंग है कि कल मदर्स डे है, तो मैं और मेरी दीदी सोच रहे हैं ऐसा सोच रहे करें कुछ नया, कुछ अच्छा सोचे, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं, तो उस वजह से घर पर ही कुछ अच्छा सा करें कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो वो आपको पता चल जाएगा। है ना, अभी मैं मोज सॉरी रील्स बना रही थी, तो क्या बोलते हैं उसमें मैंने ना मम्मी के लिए 2 लाइन बोला है, मम्मी के लिए भी प्लस सभी मम्मी के लिए 2 लाइन है, और एक सॉन्ग भी गाया था जो आपको जल्द मिल जाएगी। मैं क्या बोलते हैं उसे शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर करूँगी वो वीडियो, और अपने रील्स में भी डालूँगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, उसमें आप देखोगे, मैंने पहले भी बोला कि आप देखोगे उसमें कि मैं ज़्यादा ग्रुप होकर वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मतलब नॉर्मली वीडियो बनाती हूँ, विदाउट मेकअप वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा फिल्टर यूज़ कर लेती हूँ इस वजह से। सो क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैं अच्छा करने के लिए जाती हूँ या फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं थोड़ा तैयार होकर वीडियो बनाऊँ, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता है, मेरा मोबाइल ही साथ में नहीं पाता है, इसलिए मैं कैसे
दे रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं अपने मम्मी के मोबाइल से ही शूट करती हूँ। तो ऐसा मेरा दिन था, आपको क्या टाइम थोड़ा, मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो मैं जाके खाना खाती हूँ। और फिर हम लोग मेरा ना 4 बजे का फोन कॉल है, जैसे मतलब है कि काम भी बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी सारी चीज़ें भी करती हूँ टाइम टू टाइम, और अपना जॉब का भी मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो 4 बजे का मेरा फोन कॉल है, तो मैं जाती हूँ आपको अटेंड करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर से मुझे जब मेरा फोन कॉल ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपसे मिलती हूँ, फिर देखती हूँ मैं और क्या करती हूँ। क्योंकि मेरे को आज का मौसम भी बहुत मस्त है, अच्छा वाला फुल वाला मौसम मस्त है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मतलब ऊपर जाके एक दो वीडियोस बनाऊँ, बट वो उसका यार अच्छी मैं ना बहुत टेंशन आती हूँ। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं वीडियो मतलब रील्स में जो अपलोड करूँगी, सो मम्मी के लिए मैंने जो वीडियो डाला बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वो कैसा लगा। ठीक है, मैं वो शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगी, तो फिर आप मुझे बताइएगा। आज खाने में जो बना था वो था मूंगा बैगन आलू रोटी दाल चावल, और ये मम्मी की रेसिपी है गुड़ आंबे की, वो था, ये भी बहुत टेस्टी रहता है, ये भी इसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर से। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट हवा बहुत तेज चल रही है, टाइम हो गया है थोड़ा काम करके,
ये मैगी की जो रेसिपी है वो मैं सेकेंड वीडियो में अपलोड कर दूँगी, उसमें सारी मतलब रेसिपी के साथ अपलोड करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये फास्ट इसमें लिया है इसीलिए, तो उसमें मैं प्रॉपर तरीके का वीडियो शेयर करूँगी जिसमें पूरा दिख जाएगा कि मैं किस तरीके से मैगी बना रही हूँ। तो अभी जो मैंने बनाया था वो चीज़ मैगी बनाया था, तो जस्ट वही बता रही थी मैं आपको कि मैं उसे सेकेंड इसमें अपलोड कर दूँगी। सो अभी देखो रात का 1 बज रहा है और मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, सो वही मैं बता रही थी आपको अभी। तो देखिएगा इसे ज़रूर से मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो। ओके, एक्चुअली मुझे एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अब थोड़ा सीख रही हूँ मैं इसीलिए, तो बस उसी में मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है। सो मुझे सपोर्ट करिएगा। एक्चुअली मेरे को ना वीडियो अपलोड जब मैं करती हूँ, आज तो सैटरडे था तो मैं कल संडे मॉर्निंग अपलोड होगा ये, तो पता नहीं क्यों मैं अपलोड करने अगर मैं मॉर्निंग से रखती हूँ या तो वो आफ्टरनून में होगा या फिर इवनिंग में होगा, इतना टाइम लग जाता है, पता नहीं क्या होता है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है अपलोड होने के लिए। तो मुझे कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों होता है, अगर आप तक मेरा मैसेज जा रहा होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों होता है, इतना टाइम क्यों लगता है अपलोड होने के लिए। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग्स? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और ऐसे ही मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मैं ट्राई कर रही हूँ अपना पूरा कि मैं अच्छा बेस्ट करूँ। सो और एडिटिंग में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ अभी। सो अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड मैंने अपने मैगी का भी शेयर किया हुआ है तो प्लीज़ वो भी ट्राई करना और ज़रूर बताना कि वो कैसा बना, मुझे कमेंट्स में बताना। वो मेरे स्टाइल का मैगी है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो ऐसा मेरा आज का दिन था मॉर्निंग टू इवनिंग तक का। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को, आगे और भी अच्छे अच्छे मैं व्लॉग्स लेकर आऊँगी नए नए स्टाइल का, मतलब कुछ नया मैं लेकर आने वाली हूँ। सो वेट करिए थोड़ा सा, प्रॉब्लम दे रहा है ना तो कैसे मुझे मम्मी के मोबाइल से वीडियो शूट करना पड़ता है और मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, शायद मेमोरी फुल हो गया इस वजह से, तो मतलब ले ही नहीं पा रहा है मोबाइल, मतलब कवर नहीं कर पा रहा है उतना सब कुछ, वो मेमोरी ले ही नहीं सकता, पता नहीं क्या हो रहा उसका, तो देखना पड़ेगा उसको। और मैं पेन ड्राइव के लिए सर्च कर रही हूँ तो ऑनलाइन में तो यहाँ पे डेंजर जोन है शायद, पता नहीं नागपुर का एड्रेस वो ले ही नहीं रहा है और शॉप में तो जा नहीं सकते हैं, सो उसका मैं सोच भी नहीं सकती बाहर जाने का, तो इसीलिए देखते थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो खैर चल जा रहा है जैसे भी, बट आगे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो ठीक है, जैसा भी हो जाए वो जो भी हो जाए वो, बट मैं वीडियो स्टॉप नहीं करूँगी, कंटिन्यू करते रहूँगी, आपको मेरी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे ऐसे ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिलीज का ध्यान रखिए, बाय बाय। When there's no more hope is left in me.